तो ये है भाइयों बाथों की लड़ी, और वो है वहाँ पर टेंपल जो कि अभी पानी में डूबे हुए हैं। पानी बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, और वहाँ पर उस जगह जाना था असल में मुझे, वहाँ पे कैंपिंग वगैरह हो रखी है और टूरिस्ट मेन जो टूरिस्ट स्पॉट है वो वहाँ पर है, लेकिन रास्ते में मुझे पता नहीं चला कि इधर से मुड़ना था तो मैं आ गया हूँ इधर की साइड। खैर ये जो है ये लोकेशन फ़िलहाल इधर वाली वो बिल्कुल पास है टेम्पल के, और टेम्पल ये बहुत ही ज़्यादा विंटेज है, मतलब बहुत पुराने हैं ये, तब पांडवों के टाइम पर बने थे, उन्होंने ही बनाए थे यहाँ पर। और स्वर्ग की सीढ़ी भी करके है यहाँ पे कुछ, मतलब स्वर्ग की सीढ़ी उन्होंने बनाई थी और वो आधी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो वो स्वर्ग की सीढ़ी भी यहाँ पर है। टेंपल में जाने के लिए तो बोटिंग करनी पड़ेगी, और बोटिंग जो है वहाँ से होगी, तो वहाँ पर जाता हूँ पहले मैं और बोटिंग वगैरह भी करता हूँ। ये देखो भाई यार क्या मज़ा आ गया, मतलब शानदार जगह है, बिल्कुल वर्थ इट है यार यहाँ पर आना। पानी देखो भाई साहब कितना क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल बीच वाली वाइब आ रही है, मतलब यहाँ पर तो मछली वगैरह तो इसमें है नहीं, और आगे सोचो कि कितना गहरा होगा वहाँ पर, ये आगे जाके कितना गहरा होगा, पूरा डैम है ये, और बारिश के टाइम पे इसमें है ना पानी ऊपर तक भर जाता होगा यहाँ तक, मतलब जो बताते हैं। और ये जो पूरे टेंपल है ये पूरे ऊपर तक डूब जाता है, सिर्फ एक जो है वो दिखता है थोड़ा बहुत, तो बारिश के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहता है। चलते हैं भाइयों आप उधर की तरफ चलते हैं दोबारा घूम के, और वहाँ पर जाके बोटिंग करके सीधा जाएंगे टेंपल के अंदर, लेट्स गो। हाँ जी मंदिर जाना, कितने का बोटिंग का कितना है? एक ही हो। हाँ जी अकेला हूँ। एक पर्सन, एक का साव लगेगा। तो बताइए इसके बारे में, जगह के बारे में थोड़ा सा। वो आपको क्या, ये आपको जो साथ में जाएगा वो सब कुछ बता देगा इसके बता बारे देगा जी। ओके 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 ओके, जो आपने जानना होगा इसके बारे में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बता देगा। ओके तो ये मतलब यहाँ पे बाथू की लड़ी मेन हिमाचल में आता है ना? हाँ जी। या पंजाब में आता है? नहीं, हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। ओके जी। अच्छा, और जैसे मतलब बर्फ पड़ती है वो पानी यहाँ पे, और बारिश वगैरह पड़ती है पूरा डूब जाता होगा ये? इससे भी 20 फुट पानी ऊपर जाएगा। ओ भाई साहब, मंदिर से भी ऊपर 20 फुट? और दिखाई नहीं देता है कहाँ पे। अच्छा जी, ओ भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, और क्या बोलते हैं यहाँ पे डैम भी है? डैम भी है, ये पोंग डैम। पोंग डैम इसके आगे आगे की तरफ। ओके ओके ओके, तो बाइक भैया यहाँ पार्क हो चुकी है मेरी। सामान वगैरह बैग वैग कहाँ रखूँ? बैग को उसमें वो जिधर है। अच्छा जी, साथ में लेना है, साथ में ले जाओ। साथ में चले जा सकते हैं? हाँ, इसमें क्या दिक्कत नहीं है। तो ये भाई दिखा रहे हैं इसमें वीडियो में फोटो में, ये पूरा डूब चुका है मतलब है। भाई साहब तो ये अंकल जी मुझे ले जाएंगे बोट में। क्या जी क्या जी, कुछ जानना भी है ना आपने? हाँ जी हाँ जी, मैं उस लड़के को भेजता हूँ साथ, बैठ जाऊँ? हाँ जी। टूरिस्ट वगैरह कम आते हैं? तो ये भाई बोटिंग करते हैं यहाँ पर। भाई साहब सामान वगैरह थोड़ा सा ये अपना, तो सामान वगैरह रख देते हैं इसमें और बोटिंग के लिए रेडी तो हो चुकी है। ठीक है जी, ओके 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 ओके। क्या नाम है भाई जी आपका? क्या जी? अनिल। अनिल भाई यहीं पर रहते हो आसपास ही? ओ भाई साहब पहली बार कर रहा हूँ बोटिंग में। नहीं इससे पहले की थी मैंने, वो करी थी मैंने नैनीताल में। तो ये भाई मुझे तो नहीं करना कुछ? ना ना, आपका बैठना ही है। मुझे बैठना है बस। बहुत ही बढ़िया है यार, मज़ा आ गया मतलब यहाँ पे। तो 100 रुपये की बोटिंग है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, 100 रुपये, और आपको यहाँ पे मतलब क्या ही नज़ारा मिल रहा है, मतलब यहाँ पे आना वर्थ इट है यार। और तो भाई जी यहाँ पे ये पांडवों ने बनाया था ये? हाँ जी। कितने साल पुराना है वैसे? पांडवों के टाइम का। पांडवों के टाइम का ही है। ओके ओके, और यहाँ पे चील वगैरह भी देखी है मैंने, बाज वगैरह? वो तो अब के हैं, हम बाज के हैं, हम तो पहले के नहीं है, पर मंदिर जो है वो पांडवों के टाइम का। अच्छा, बारिश के टाइम पर पूरा फुल हो जाता है ना। मछली वगैरह भी रहती है इसमें? मछली भी है। और मगरमच्छ वगैरह? मगरमच्छ नहीं है। मगरमच्छ नहीं है, नॉर्मल मछलियाँ हैं। और गहरा तो बहुत हो गए जहाँ पे काम है वो मंदिर के पास ना, मंदिर से आगे सारा गहरा है। गहरा है पूरा, पूरा डैम है ना पूरा ये तो? पूरा डैम। ओ भाई साहब, अच्छा तो ये बोट जो है इसमें कितने लोग आ सकते हैं बोट में? इसमें 5 या 6 बंदे। 5 या 6 बंदे? ओके, ओनली 5-6 बंदे इसमें आ सकते हैं। और मैं हेलमेट अपना रखता हूँ यहाँ पर। अच्छा भाई, ये लो भाई। मज़ा आ रहा भाई, मेरा चैनल है विवेक चौधरी, मेरा डाल देना आगे मेरठ। बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो ये भाई यहाँ पे तो यार ऐसा व्यू आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र में आ गया कहीं पे। ये थोड़ी पानी से भरा हो तो भाई समुद्री है ये। समुद्री है बिल्कुल, ये समुद्री है, पूरा पानी से भरा होता है ना। भाई साहब
अक्टूबर महीने में ये पूरा पानी से भरा होता है तो ऊपर 500 तक। अच्छा, तो इसमें मेरे मतलब हिलने डुलने की कुछ होते नहीं है, बोट में पलट जाएगी? नहीं, ज्यादा नहीं हिलना, बाकी कोई नहीं है, दिक्कत होगी। ओके 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 ओके। पर खड़ा हो सकता हूँ इस पे? हाँ जी, हो जाएगा। कभी दिक्कत आ जाए? ना। ओ भाई साहब, ओ भाई, यहाँ की तरफ रखते हम कैमरा को, है ना? ये देखो भाई, वो आ चुका है सामने टेंपल। पानी तो क्लियर है बिल्कुल, है ना? हाँ जी। ज्यादा अब गहरा हो गया, अब गहरा होगा वो यहाँ से, यहाँ से गहरा हो गया। तो मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट भी होता है यहाँ पे कि पलट जाती है? तो बोट आज तक नहीं हुई? तो नहीं, फिर ठीक है, फिर ठीक है। सेफ है ना, उसमें बिठाते ही 4 या 5 या 6 बंदे, ज्यादा बंदे नहीं बैठने चाहिए। बैठे हुए हैं और बाकी अपना है यहाँ पर अकेला, अकेले में अलग ही मजा रखता है। तो ये देखो भाई, अच्छा काई वगैरह आ जाती है थोड़ी बहुत, तो फिशिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, करते फिशिंग वगैरह? ये बोतल किसने गेर दी पागल ने बीच में? ये बोतल पानी में जाल लगाए हुए हैं। अच्छा, मछली के जाल है? वैसे टूरिस्ट ने कभी गंदगी कर दी यहाँ पर? गंदगी भाई, ऐसी जगह गंदगी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। भाई साहब, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सुंदर में आ गया हूँ मैं, मतलब वर्थ इट है यार यहाँ पे आना, बहुत ही शानदार। वीडियो लेगा भाई, रोक सकते हो थोड़ी देर के लिए? तो रोक के फिर वीडियो लो ना मेरी, एक ऐसे थोड़ी काम चलेगा यहाँ पे आए थे दूर तक। क्या डूब सी रहा है, कर दी ना उन, खड़ा हो सकता हूँ? हो जाओ, अभी पता चले। यहाँ पूरा दिखा दो घुमा कर एक बार। हाँ जी, तो जैसे अब आपने रोक दी भैया, तो रोक के फिर डायरेक्शन कैसे सेट करते हो उसका, क्योंकि किधर की साइड जाना है? मतलब हाथों से, मतलब कि जिस साइड जाना है हमें उड़ना है उस साइड का यूज करना है? उल्टी साइड का यूज। अच्छा, उल्टी साइड का यूज करना है, जैसे इधर मुड़ना है हमें तो इधर वाला करना पड़ेगा हमें। ओके 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 ओके। और दोनों अगर एक साथ करेंगे तो सीधा चलेगा? ओके, तो इसमें मेरी मेहनत नहीं है, भाई सारी मेहनत कर रहा है यहाँ पे, मुझे ले जा रहा है वहाँ तक। अच्छा, जाल बिछा हुआ है मछली का जैसे, तो ये बोट वोट से नीचे होगा मतलब? ये कौन, ये इसके नीचे रस्सी बांधी हुई है। कौन कौन सी मछली पाई जाती है यहाँ पे? यहाँ पे मेन तो सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा मछली, सिंगाड़ा है, राहू है, एक महाशेर है। अच्छा अच्छा, और मोरी, मोरी, 4 मछली। अच्छा अच्छा, और ये ऊपर किला, इसके मतलब क्या है ये पूरा? है ये एक स्वर्ग की सीढ़ी? हाँ वो ही है। अच्छा, स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर ये, तो ये तो कहते कि आधी बनी थी, मतलब ये पूरी नहीं हो पाई थी? नहीं नहीं, पूरी नहीं हो पाई। तो ये है भाइयों, पांडवों ने यहाँ पर ये मंदिर बनाए थे, और ये पूरा जो है ना ऊपर तक भर जाता है यार। मतलब सोचो जब ऊपर तक भरता होगा तो यहाँ पे कितना बड़ा, मतलब चारों तरफ पानी होगा। हाँ, पानी की तो नहीं है, पानी स्ट्रेट है, बिल्कुल पानी स्ट्रेट है, लेकिन गड्ढा है मतलब वहाँ पर आगे गड्ढे हैं। ओके 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 ओके, गहरा पानी है ना आगे तो। ये भाइयों फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ पर बाथू की लड़ी, और अब चलते हैं भाई बोट पार्क करेगा। पार्क कैसे करते हो, लगाते हो कहीं पे, बांधते हो साइड में? तो ये आ चुके हैं फाइनली, बहुत ही बढ़िया यार, मजा आ गया भाई साहब। क्या नाम बताया था भाई आपने? अनिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब उतरते हैं यहाँ से, आप वेट करोगे ना मेरा? हाँ जी। ओ, 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 ओके। ले लिए है दो सामान। ओ भाई, अगर मैं चला भी जाऊंगा ना तो किसी के साथ आ जाना, आपका सामान बनते होगा पार ना। ठीक है ठीक है, चलो चलो ऐसा कर लेंगे हम। तो ये भाई जो है यहाँ पर इन्होंने हमें छोड़ दिया है। कितने लंबा था ये वहाँ से यहाँ तक का? 500-600 मीटर होगा। हाँ इतना तो है, है ना? ओके, तो ये भाई ने गाड़ दिया पूरी अंदर तक, ये रुक गई होगी, है ना? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे मंदिर में पुजारी वगैरह भी होते हैं या फिर कुछ नहीं है? पर नहीं, खाली पुजारी तो नहीं है। हाँ। भाई साहब, ये टूट कैसे गया है, मतलब ये कौन? जब भी पानी आता है, हाँ 55 साल हो गया डैम बने हुए, तो हर साल पानी अच्छा आता है, उससे टूट रहा है। तो डैम भी खुलता है और ऊपर से बारिशों का पानी भी आता है। ओके ओके ओके। ओ भाई, तो चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। यहाँ पर ऊपर ये जो है स्वर्ग की सीढ़ियाँ करके है, यहाँ पर स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हैं ना, तो ये आधी रह गई थी जब पांडवों ने बनाई थी। और यहाँ पे ये कहना है इनका कि ये रात रात में बनाया था, ये जो पूरे सारे टेंपल है ये पांडवों ने रात रात को बनाए थे। तो इसका रास्ता देखते हैं कहाँ से ऊपर गए, तो लोग कहाँ से गए थे, इधर की साइड से होगा। इसका भैया ऊपर कैसे चढ़ते हैं यहाँ पे, ऊपर चढ़ने? ऊपर तो देखे हैं मैंने लोग अभी ऊपर चढ़ते हुए, अंदर से होगी कोई साइड है मेरे ख्याल, पानी वाली साइड, पानी वाली साइड है। ऊपर कैसे जाएंगे, ऊपर ऊपर? हाँ हैं, ऊपर हाँ चढ़ तो सकते हो, वही बात है कि सीढ़ियाँ तो है नहीं यहाँ पे, चढ़ सकते हो लेकिन आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो? हाँ जी हाँ जी। यूट्यूब पर तो नहीं हो आप? यूट्यूब पर। कहाँ से? मेरठ से भाई। अच्छा मेरठ से। हाँ जी, काफी दूर से आए। हाँ भाई, पहले धर्मशाला गया था मैं, जहाँ तो धर्मशाला, हाँ धर्मशाला में ये है ना, इधर से जा सकते हो, जा तो यहाँ से भी सकते हैं।
यहाँ से कर दो बिल्कुल, क्यों नहीं। द विवेक चौधरी, विवेक चौधरी भाई को। हाँ जी भाई, कहाँ से हो भाई आप? भाई हम यहीं से, जसूर से नर। अच्छा 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 अच्छा, धर्मशाला भी मतलब। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, मारो अभी करता हूँ फॉलो बैक में। तो बाकी ऊपर चलने का है कुछ प्लान? चल पड़ते हैं, चलते ऊपर। ऊपर तो मुश्किल ही है भाई, यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। इधर से है, चलो उधर से चलते हैं ना। हाँ जी भाई, द विवेक चौधरी है मेरा यूजर नेम। ना ना ना, इंस्टाग्राम का यहीं पे बीच में ही। चले तो यहाँ से फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। ये पकड़ना, चले इसको पोज कर दूँ? नहीं नहीं, चलने दो, ऊपर चढ़ दिखाओ ना चढ़ते हुए। ठीक है चढ़ गए, चलो चलो चलो। ऊपर की साइड ये जो नाहूवर भी लिखा है, यहाँ नहीं है भाई सीधी। अच्छा हाँ, सीधी ध्यान से देखो ना। है आ जाओ आप लोग, बैठो। बस बस हम जरा चल पड़े हैं, आ जाओ। अरे ऊपर तक घूम गएंगे ना, ऊपर तक आप करो। बस बस बस, हम थोड़ा जरा लेट हो रहे हैं। थैंक यू, कर दिया, मिल गया इंस्टाग्राम। यो यो यो, नाहू सर क्या नाम है वो? ठीक ठीक ठीक। तो ये है यहाँ पर सीढ़ियाँ भाई, ये हाँ ठीक है, रास्ता बहुत। आ जाओ आप लोग भी। तो इन्हें बोलते हैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ, जो कि इनकम्प्लीट रह गई थी, नहीं बन पाई थी पूरी। ऊपर तक जाते हैं, ये देखो भाई ऊपर से व्यू आएगा बड़ा शानदार। आ रहे हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो यहाँ पर कबूतर वगैरह या पक्षी के ऊपर आ गया। ओ भाई साहब, ये देखो यहाँ से मिल रहा है टॉप का व्यू सारा। 360 दिखाता हूँ आपको, ये है यहाँ का 360 व्यू, शानदार भाई साहब। इधर दिखाते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा हाइट है। अलग है नहीं भी वहाँ पे एग्जॉस्टेड नहीं, वर्थ इट है ना ऊपर आना भाई। हाँ जी भाई, यार एक रील या वीडियो कुछ बना दो भी हमारी। हाँ मुझे खुद बनानी है, आपकी बनाऊंगा क्यों नहीं, लाओ दे लाओ फोन पे। तो यहाँ पर भाई अभी थोड़ी सी सांस चढ़ गया, ऊपर तक आ जाते, लेकिन यहाँ से पूरा टॉप का दूर दूर तक का व्यू आ रहा है। वो देखो उधर की साइड तो कोहरा वगैरह आया थोड़ा, अभी तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इधर की साइड देखो वो है पूरे खेत जहाँ से हम आए अभी बाइक लेते हुए। चलते हैं नीचे की तरफ भाई, का सामान पकड़ा दे पहले। भाई का पकड़ता हूँ नीचे, तो आदमी पहले पकड़ा देना हाथ मेरे को पहले सारा सामान। चलो कोई नहीं, आराम से उतर जाओ। इतने क्यों डर रहे हैं? मेरे तो टांगों में दर्द है जबकि ट्रैक किया था ना मैंने। हाँ अरे भाई 8-9 किलोमीटर था भाई, जबरदस्त। जॉइंट में एक ही दिन में करा, एक ही दिन में आ गया मैं। अच्छा आ गए थे? जॉइंट में दर्द हो गया मेरे पैरों के। आ जा तो पत्थर ना गिर जाए भाई। तू कैसे उतर रहा है? नो 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 नो, उतर कैसे रहा है? जंप मार देना, जंप जंप मार दो, जंप उस साइड घूम कर। तो ऊपर से भाई आ चुके हैं हम, अब चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। कैसा लगा अंकल जी वीडियो बना रहा हूँ रिव्यू थोड़ा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हो आप? पालमपुर से। पालमपुर से? अच्छा, यहाँ पर भाई सबको आगे बहुत अच्छा लगा, और आप भी जरूर आना अगर धर्मशाला की साइड जा रहे हो तो। वो देखो वो भाई, वो कहाँ पे जा सकते हैं, वो देखो मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये रात रात में बनाया था, रातों रात इतना बड़ा? ओ भाई साहब, तो ये जो है रातों रात बनाया हुआ था, अनबिलीवेबल। ये देखो भाई, ये मतलब रात रात में बनाया, मतलब विश्वास तो नहीं होता यार। मतलब पहले के लोग भाई साहब इतने शानदार थे, रातों रात ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओ भाई, और अब तक चल रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि अब तक टिका हुआ है, और आजकल के आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो 4-5 साल नहीं चलते। ये देखो, खैर अभी इसमें थोड़ी बहुत तरेड़ वरेड़ आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे है ना पूरे पानी में डूब जाता है बारिश के टाइम पर अंदर का पूरा मंदिर टेम्पल। और वैसे इस टेम्पल में कोई मूर्ति वगैरह तो है नहीं अभी, और यहाँ पे देखते हैं मूर्ति वगैरह है या नहीं। हाँ यहाँ पर है मूर्ति, तो दर्शन करने चलते हैं एक बार अंदर के लिए। जूते मैं यहाँ पर उतार देता हूँ। ओम। तो ये है यहाँ पर जो आपका टेम्पल, नीचे गिला रखा है, दर्शन करते हैं। ओम। ये चीज़ तो दिखानी भूल ही गया मैं भाई, ये देखो कितना ऊपर तक है, और बिल्कुल गोलाई में कोन शेप में बनाया हुआ है ऊपर से।
बहुत ही शानदार आर्किटेक्चर। यहाँ पर शिव जी, गणेश जी और कुछ और भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर हैं, और पंडित वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं। थोड़ा पानी था अंदर, सॉक्स मेरी गीली हो गई। तो खैर, तो ये है छोटे छोटे यहाँ पर टेंपल, और यहाँ पर नंदी गायें जो हैं उनकी यहाँ पर छोटी सी एक मूर्ति है, बहुत ही प्यारी सी। यहाँ पर कुल 8 9 यहाँ पर जो छोटे छोटे ये गुंबद टाइप है, और ये मेन टेंपल है अंदर जिसमें मूर्ति वगैरह है। तो वो देखो भाई, वो भाई कहाँ पर चढ़ चुका है वहाँ पे। तो पूरी इतनी हाइट तक जो है यहाँ पे पानी भर जाता है। ओ भाई, ये पत्थर गिर गए। चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट वगैरह तो नहीं लगी? पैर में लगी है ना। ओ भाई, भाई रहने दो, कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो, चलो तो हो गया होगा मिस्टेक, कोई नहीं, चलो हो गया, चलो गिरेगा तो सारे सर फूट जाएंगे। अरे ठीक है, कोई नहीं, कोई चलो, कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं। जब तेरे, तू कितना पढ़ा हुआ है, तभी तेरा ये अकलमंद। चलो हाँ, सॉरी यार, हाँ यार सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं। अच्छा, रात को यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है? ओके ओके, तो यहीं पे मतलब लोकल के जो लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे कैंपिंग? नहीं नहीं, अपनी खुद की, अपनी खुद की, खुद की जिसको करनी है। हाँ, तो भाई अगर जिसको यहाँ पे खुद की कैंपिंग करनी है वहाँ पे कर सकते हो, गाड़ी वगैरह अपनी लगा कर। और जंगली जानवरों का यहाँ पे कुछ डर है? रात को? हाँ नहीं है यहाँ पे, मतलब प्लेन में नहीं होगा, पीछे जंगल है वहाँ पे होगा, पीछे भी नहीं है वैसे, पीछे भी नहीं ऐसा कुछ यहाँ पे। ओके 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 ओके, सांप वगैरह का, बाकी कुछ नहीं। वैसे के तेंदुआ वगैरह, भालू वगैरह नहीं है, उनका कुछ नहीं है। वैसे है तो पहाड़ी इलाका ना पीछे की तरफ, और जहाँ से मेन आया था वहाँ पे जंगली इलाका था बिल्कुल, वो पर यहाँ पे डर नहीं है, डर नहीं है यहाँ पर। ओके ओके ओके, चारों तरफ पानी है ना। तो ये देखो पीछे, आपको दिखाता हूँ, ये अपनी जो है छोटी सी नाव, बहुत ही मजा आ गया भाई यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे बड़े चील गिद्ध भी था यहाँ पे, वो जो बड़ा रहता है ना, वो ऊपर से देख लेता जो, हाँ वो भी था, देखा था मैंने पीछे की साइड। यहाँ पर आपको जो है आइसक्रीम वगैरह की भी दुकान मिल जाएंगी, वहाँ पर है गन्ने का जूस, और यहाँ पर लोगों ने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर रखी है, वो लोग जा रहे हैं दोबारा बोटिंग पर। और ये है यहाँ का व्यू, तो चलते हैं कुछ आइसक्रीम खाते हैं। और कितने की भाई आइसक्रीम? आइसक्रीम 30 वाली, एक लगा दो, तो 30 रुपये की यहाँ पर आइसक्रीम मिलेगी आपको, गन्ने का जूस मिलेगा। ये आ चुकी है अपनी आइसक्रीम, बहुत ही प्यारी लग रही है। क्या क्या मिलेगा जी यहाँ पर? बादाम शेक अलावा, बादाम शेक बर्फ गोला। अच्छा अच्छा, बर्फ गोला, वो कितने का है? ओके, तो बर्फ गोला, बादाम शेक एंड आइसक्रीम, और गन्ने का जूस, सब चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आ चुका है अपना बादाम शेक, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसे खा पी कर चलते हैं अपना। तो ये भाई गोला, कभी बचपन में खाया था, अभी खाने का मन किया दोबारा, तो करते हैं ऐसे टेस्ट। अच्छा, ये नॉर्मल पीस के बन जाता है जी, घुमा के पूरा, छोटी सी मशीन है एक, और वो बर्फ उस पर जमी हुई है। ये बनाया उन्होंने छोटा सा गोला, और अब इसमें डलेगा, ये क्या बोलते हैं इसको, फ्लेवर, फ्लेवर होता है। ओके ओके ओके, ये सिर्फ 20 रुपये का मात्र, और गर्मी के लिए बेस्ट चीज़, खाते हैं उसके बाद टेस्ट बताता हूँ आपको कैसा लगा। ओ भाई साहब, पूरा गोला बन चुका है, ये डाला इन्होंने फ्लेवर, ये दूसरे कलर का, एंड ये तीसरा। ओ भाई, अच्छा मीठा लगता है, खट्टा मीठा, ये खट्टा मीठा मिक्सचर होता है दोनों का। और ये चौथा, अच्छा इसको डुबाओगे भी पूरा इसमें। ओके, ये मिल चुका है, इसको कैसे करना है फिर, नीचे जो है लिक्विड हो गया अपना, अच्छा अच्छा, इसको बीच को डिप करना है, इसको बीच में। ओके 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 ओके, तो इसको करते हैं टेस्ट, उसके बाद बताता हूँ कैसा लगा आपको। शानदार, मज़ा आ गया, गर्मी भाग गई जा रही, बहुत अच्छा बना रखा है ये। इधर से जो है, इधर से खट्टा है, इधर से मीठा है, और इधर से अलग टेस्ट है, चारों तरफ से अलग टेस्ट आ रहा है इसका, जो फ्लेवर डाले इन्होंने, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी देर में ख़त्म होगा। पूरा बर्फ़ का गोला है ये।
यहाँ पर कुल गिनी चुनी 10-15 गाड़ियाँ हैं और कम ही लोग यहाँ पर हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छी लोकेशन मुझे लगी है। तो ये थी भाइयों बाथू की लड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब मार देना। और अब मेरी ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है जो धर्मशाला की थी। वैसे प्लान मेरा सिर्फ धर्मशाला का था, लेकिन उसके बाद मैं त्रिवेंद गया, मैकलोडगंज और अपना खजियार डलहौजी से होते हुए फिर मैं सीधा यहाँ पर आया हूँ बाथू की लड़ी। तो आप भी अगर धर्मशाला आ रहे हो बाथू की लड़ी जरूर विजिट करना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी जगह है। स्टार्टिंग में जो उसका एंट्रेंस है वहाँ पे आपको बिल्कुल लद्दाख वाली फील आएगी, चारों तरफ आपको खेत दिखेंगे गेहूँ, और उसके बाद जो है जस्ट आपको यहाँ पर फिर सी वाली फील आएगी जैसे समुद्र में होता है। आप पीछे देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दूर दूर तक पानी दिखेगा, डैम है यहाँ पर, और बीच में है ये लोकेटेड बाथू की लड़ी जो कि टेम्पल है, यहाँ पर पांडवों ने बनाया था। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह लगी मुझे, और पानी यहाँ का बहुत साफ है, बोटिंग वगैरह कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं भाइयों किसी और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।